खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली कांग्रेस की अध्यक्ष शीला दीक्षित जी हैं। सुबह के समय अपनी बेटी के साथ बालकनी में दिखी थी और जो बॉडी लैंग्वेज था काफी आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस से भरी नजर आई। एबीपी न्यूज से बात करने के लिए शुक्रिया मैम और आपको शुभकामनाएं। आज का दिन महत्वपूर्ण है। नॉर्थ ईस्ट सबसे हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो कैंपेन किया, कितनी कॉन्फिडेंट है और टक्कर आपकी किसके साथ है? देखिए, कॉन्फिडेंस से कैंपेन किया इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हमारे जो लोग थे, वर्कर्स थे और जो कांग्रेसमैन थे, उन्होंने बहुत सहारा दिया। तो एक जो चाहिए था हमें कि देखना कि लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उसका बहुत अच्छा असर गया और वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम लोग जीतेंगे। आप 15 साल जो आपने काम किए वो जनता के बीच ले जा रही हैं, वहीं बीजेपी जो है नरेंद्र मोदी इनके 5 साल, तो ये कंपैरिजन आपकी तरफ से उनकी तरफ से भी हो रहा है, कितना कारगर किसके लिए साबित हो रहा है? मैंने 15 साल किया था एज ए चीफ मिनिस्टर, वो 5 साल कर रहे हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो देखो क्या लोग क्या समझते हैं। कल एक इंटरव्यू आई थी राहुल जी की, विच इज वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छी इंटरव्यू थी और उसने सब बातों का जो टिप्पणी करी वो बड़ी अच्छी लगी लोगों को और बड़ी सत्य थी। आपके साथ अलायंस नहीं हुआ तो क्या उसका असर दिखेगा ग्राउंड पे? नहीं, वो तो अच्छा हुआ कि अलायंस नहीं हुआ, क्योंकि अलायंस में हम 3 या 4 सीटों पे लड़ते और उसमें भी पता नहीं कितनी आती। अब हम 7 सीटों पे लड़ रहे हैं, अपने आप लड़ रहे हैं, अपने तरीके से लड़ रहे हैं और कैंडिडेट्स हमारे अच्छे हैं, तो हमें ये